नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पोरसा थाना क्षेत्र में हायर सेकेंडरी के परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर छात्र समय पर नहीं पहुंचा व परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचा तो पुलिस ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। उससे आक्रोशित विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परीक्षार्थी पुलिस पर कार्यवाही की मांग करने लगे। परीक्षार्थियों को अधिकारियों ने समझा बुझा कर जाम खुलवाया और पुलिस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मामले में पोरसा पुलिस की पूर्ण रूपेण लापरवाही सामने आई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। अभी ये भीड़ जमा हुई है, कौन सी जगह है ये? ये अभी पोरसा थाने के सामने। अच्छा, ये क्या विषय को लेकर ये सब लोग यहाँ पर? ये हुआ था, लड़के का जो टाइम था परीक्षा का जी 10 बजे का था जी, तो कुछ कारणवश घर से निकला या साइकिल पंचर हुआ या कुछ भी हुआ, वो थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ। 10 मिनट लेट के कारण वो अंदर जाना चाहता था, तो पुलिस वालों और तहसीलदार ने, तहसीलदार की पूरी कमी है, वो अंदर जाना चाहता था, उसने बोल दिया कि नहीं जाएगा। अरे कारण उस लेट को तो जाना चाहिए था अंदर, उसको मारा पीटा गया, ये काम था यहाँ पर। जिन लोगों ने मारा था? पुलिस वालों ने मारा था। पुलिस के कौन से अधिकारी थे? पुलिस वाले साले दीमान था। कौन था? सिपाही थे। क्या नाम है दीमान? क्या नाम है दीमान? उनका मैं नाम तो नहीं जानता था। डीआईबी था साथ में। डीआई साहब भी थे। मुरैना से जिला संवाददाता वैष्णव पंडित की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।